हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं खोपरा पाक। खोपरा पाक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है खोपरा, ये मैंने 150 ग्राम खोपरा लिया है, होममेड खोया है, ड्राई फ्रूट्स, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है घी और चीनी। चीनी मैंने ली है 250 ग्राम के करीब, और ये हम थोड़ा ज़्यादा और कम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये जो खोपरा है इसको कट करके और इसको अच्छे से ग्रेट करते हैं। ये हमारा नारियल बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हम इसको हल्का सा सेकेंगे। जो खोपरा है उसको बिल्कुल लाइट सेकना है हमें, ताकि इसका कलर चेंज ना हो पाए, पर जो इसका एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो चलिए हम इसको सेकते हैं। हम ये नारियल को रोस्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में डाला इसको। बिल्कुल हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे और इसी कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डाल के जो खोया है उसको रोस्ट करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर डालेंगे हम खोया या मावा। इधर ही हमारा खोया सिक रहा है। हम गैस सिम करते हैं और चाशनी बनाने रखते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम पैन में डाल देंगे पहले पानी। कटोरी से हमने शक्कर को मेजर किया है, उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। तो जितनी हमारी जैसे 1.5 कप चीनी है या शक्कर है, तो हम उसके अंदर लेंगे आधा कटोरी पानी और इसमें डाल देंगे हम चीनी। और हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। इसके अंदर हम डालेंगे इलायची, इलायची पाउडर या इलायची के दाने डाल सकते हैं, और हम डालेंगे इसके अंदर जायफल। मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स में आपको शो तो किया था, लेकिन बताना मैं भूल गई थी, इसलिए हम इसके अंदर जायफल का पाउडर भी डालेंगे। ये मैंने इलायची डाल दी है। अब हम डालेंगे इसमें जायफल का पाउडर। जायफल हम फ्लेवर के लिए डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसकी एक तार की चाशनी बनाने रखते हैं। हम ये जो हमने मावा सेका है उसके अंदर हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, और उधर हम चेक करते हैं हमारी एक तार की चाशनी बन गई है। हाँ, ये दिख तो रही है कि पूरी डन है, फिर भी हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। एक तार फॉर्म हो रहा है। अब इसको हम डाल देंगे मावे के अंदर। चाशनी को और इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। इधर मैंने एक प्लेट ली है जिसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं
नारियल, ग्रेटेड कोकोनट, इसको 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से पकने देते हैं। और ये हमारा मिक्स अच्छे से तैयार हो गया है, अब हम इसको जमाने के लिए प्लेट में डालते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसको हम कोकोनट से ऊपर गार्निश कर देते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के, और इसको अभी हम रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हो, और ऐसे ही 2 घंटे इसको रख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। अब हम इसको सेट होने रखते हैं, फिर इसके पीसेस कट करेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो हमें इसके उसको डीप कट देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। हमारी रेसिपी बनके तैयार है, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।